गोविंदम प्रपद्येहं दीनायतारकं वंदे मुकुंदमरविंदगरायकार्थं कुंदेन्दुशङ्खभजनं शिशिरोपवेशं इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवो वसोऽहम् नवजलधरवरणं शम्प्रकोदभासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनखडितुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नोनुगोपीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरं कालिन्दि पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मोदावति सब जगदानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त भगवान के पावन चरण कमलों में सबको नमस्कार। कर्म मेरे द्वारा होते हैं, मैंने ये समझने की बात है कि विषयी पुरुषों के, लौकिक पुरुषों के जो कर्म होते हैं वे कर्म होते हैं वासनामूलक। उन कर्मों का लक्ष्य होता है कोई न कोई संसार का भोग। और साधक के जो कर्म होते हैं वो होते हैं भगवान की आज्ञा मूलक, और उनका लक्ष्य होता है भगवत प्रीति। ये बड़ा अंतर है। साधक के कर्म का लक्ष्य है भगवत प्रीति, और साधक के कर्म की प्रेरणा है भगवत आज्ञा। और विषयी पुरुष के कर्म का लक्ष्य है भोग, और विषयी पुरुष के कर्म की प्रेरणा है वासना कामना। ये बड़ा अंतर है। तो विषयी पुरुष कामना वासना के वशवर्ती होकर कामना के द्वारा अपने विवेक को खोकर काम के प्रवाह में बहता हुआ वो विषयासक्त चित्त से किसी भोग वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। और साधक कर्मों में और विषयों में आसक्त नहीं है, उसकी आसक्ति भगवान में है। और भगवान में आसक्ति रखकर, भगवान में प्रीति रखकर, भगवान की आज्ञा अनुसार भगवान की प्रीति के लिए मेरे द्वारा कर्म बने, इस प्रकार की इच्छा रखकर भगवत प्रेरित कर्म करता है। तो ये बड़ा भारी अंतर है साधक के विषय की समझ में। यही उनका एक मौलिक भेद है। जिस मार्ग पर साधक चलता है विषयी से वो बिल्कुल उल्टा मार्ग है। वो मान चाहता है वो मान का त्याग चाहता है, वो संसार का सुख चाहता है, वो संसार के सुख की परवाह नहीं करता, वो अपनी बड़ाई प्रशंसा चाहता है और वो बड़ाई प्रशंसा को निंदा अपने हानि करने वाली चीज मानता है। प्रतिष्ठा शुक्र निष्ठा ये विषयी पुरुषों के लिए बात नहीं है। विषया विश्व त्यज ये विषयी पुरुषों के लिए बात नहीं है। ये साधकों के तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं पामर को छोड़कर। जो पामर है वो मनुष्य तो निरंतर पाप कर्मों में ही लगा रहता है। विषयों की प्राप्ति के लिए भी उसके मन में केवल बुरी बुरी बातें ही आती हैं और वो बुरे आचरणों के द्वारा विषयों की सिद्धि करना चाहता है और विषय भी जो उसके लिए होते हैं वो अवैध होते हैं, अशास्त्रीय होते हैं, पतन करने वाले होते हैं। उसकी बात तो छोड़ दें। उसकी बात छोड़ देने के बाद तीन प्रकार के मनुष्य साधारणतया दिख जाते हैं। एक विषयी, एक मुमुक्षु या साधक और तीसरा मुक्त या सिद्ध। तो सिद्ध और मुक्त पुरुष की बात तो हमें विशेष नहीं करनी चाहिए। उस अवस्था में पहुंचने पर जैसी स्थिति अंत करने की होगी उसके अनुसार काम होगा। अभी उसकी कल्पना हम थोड़ी बहुत कर सकते हैं पर उस प्रकार का बनना बड़ा मुश्किल। वहाँ तो मानापमान समान है, वहाँ तो निंदा स्तुति समान है, वहाँ तो सुख दुख समान है, वहाँ तो विषय का त्याग ग्रहण समान है। लेकिन साधक के लिए समानता आवश्यक नहीं है। साधक को तो मान तो लगना चाहिए बुरा, अपमान लगना चाहिए अच्छा। सांसारिक सुख से साधक की वितृष्णा होनी चाहिए और सांसारिक दुख में सुख की भावना होनी चाहिए। सांसारिक लाभ में साधक को हानि की भावना होनी चाहिए और सांसारिक हानि में साधक को लाभ की भावना होनी चाहिए। संसार में ममता के पदार्थों की वृद्धि में साधक को हानि की भावना होनी चाहिए और ममता के पदार्थों की कमी में साधक को लाभ की भावना होनी चाहिए। जगत में मान करने वाले लोग, सम्मान देने वाले, पूजा करने वाले लोग बढ़े तो साधक के लिए दुख की बात होनी चाहिए। एकदम ढक जाए परंतु जो विषयी है वो इससे बिल्कुल उल्टा है। तो विषयी जो चाहता है साधक उससे विपरीत चाहता है। तो सिद्ध दोनों में सम है, ये अंतर है। तो हम लोग यदि साधक बने, साधक बनना चाहते हैं और हम आचरण रखना चाहते हैं अपना विषय का सही, समता तो आती नहीं। हम समता की बात भले कर लें। निष्काम कर्म योग की बड़ी चर्चा हम भले कर लें, ज्ञान की बहुत बड़ी विस्तार की बात हम भले कर लें, बड़ी ऊंची प्रेम भक्ति की चर्चा हम भले कर लें, परंतु जब तक हमारे मन में ये राग द्वेष भरे हुए हैं, जब तक हमारे मन में विषयों की आसक्ति और प्रीति है, जब तक हम विषयों के गुलाम हैं, दास हैं, तब तक ये सारी बातें होती हैं, इनमें वास्तविकता नहीं होती। तो साधक को तो अभ्यास पूर्वक अपने को इस प्रकार का बनाना है अपने को उस मार्ग में ले जाना है जो मार्ग विषयी पुरुषों के मार्ग से भिन्न है, उल्टा मार्ग है उससे। ऐसी मनोवृत्ति बनानी है, ऐसी मनोवृत्ति बनानी है कि जिसमें हमें माया में अपमान का बोध हो, जिसमें हमें सांसारिक लाभ में हानि का बोध हो, जिससे हमें सांसारिक सुख में दुख का बोध हो, जिसमें हमें सांसारिक बड़ाई में निंदा का बोध हो। ये भगवान ने गीता में बताया कि संसार से वैराग्य करो। वो कैसे होगा? दुख दोषानुदर्शनम। दुख दोष का बार बार दर्शन करो। संसार के प्रत्येक भोग में, संसार की प्रत्येक वस्तु में, संसार की प्रत्येक अनुकूल स्थिति में दुख का बोध करो। अगर दुख का बोध नहीं होगा, सुख का बोध होगा। ये बहुत समझने की बात है। संसार के भोगों में सुख बोध भी हो, उनको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा भी बनी हुई हो और भगवान को भी प्राप्त करना चाहें, ये बात बनती नहीं है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। तुलसी कबहु न रह सकें रवि रजनी कठाम। जैसे सूर्य रात्रि ये दोनों एक साथ एक जगह ही रहते, इसी प्रकार से राम और काम, भगवान और भोग एक साथ एक घर में एक आसन पर एक समय नहीं रह सकते। ये सिद्धांत है। इसलिए ये साधक के लिए एक आवश्यक बात है ये कि वो अगर उसको भोगों के त्याग का अवसर मिलता है उसे सौभाग्य माने। ये न माने कभी भी कि भाई देखो हम तो बड़े अभागे हैं, वो तो सुख पा रहे हैं, हम दुखी हैं। ये दृष्टि जहाँ है ना, जैसे किसी आदमी के पास बहुत कम पैसे हैं और कोई आदमी बहुत धनी है, किसी आदमी के पास संसार के सुख, खाने के, पहनने के, मोटर के, गाड़ी के, मकान के, आराम के ज्यादा है और किसी आदमी के पास बहुत कम है। अब वो ज्यादा वाले को देखकर कम वाला यदि कहीं अपने मन में ये समझता है कि देखो भाई उनके भाग्य बड़े जोर हैं, भगवान की बड़ी कृपा उन पर है, उनके पास सब प्रकार के आराम के साधन मौजूद हैं, हम तो दुखी हैं, क्या करें, सहनी पड़ता है, संतोष करो। तो ये जो भावना है इस बात को प्रकट करती है कि उन भोगों में, उन भोग वस्तुओं में, उन आराम की चीजों में उसके मन में महत्व है, उसके मन में गौरव है। तो जिसका भोगों में गौरव है, जिसके मन में भोगों के प्रति महत्व बुद्धि है, वो भोगों के त्याग का जो साधन है वो कैसे करेगा? उसको तो साधक को सबसे पहले मनोवृत्ति बदलने का अभ्यास करना है। जो बात विषयी पुरुषों के लिए अनुकूल है वो सारी बातें उसके प्रतिकूल होनी चाहिए। उसे आनंद मिलना चाहिए अपने त्याग पर और संसार की वस्तुओं के अभाव पर जीवन में ये मानना चाहिए। और ये बात ही तो है, ये दुखी लोग, निर्धन लोग, विधवा माताएं अभी सुखी हो सकते हैं, अभी। अगर इनके मन की धारणा बदल जाए, अगर ये समझ लें कि नरकों में ले जाने वाले, दुर्गति करने वाले, संसार में फंसाने वाले जो विषय हैं, उन विषयों से हमको भगवान ने अलग कर दिया है। ये भगवान की बड़ी कृपा हम पर है कि जिससे, और ये भगवान ने स्वयं कहा है, बड़ा ये कोई मैं अपनी बात नहीं कहता, भगवान ने कहा है कि जो फंसे रहते हैं विषयों में, धन में, उन पर जब मैं कृपा करता हूँ, जब हम अनुग्रहणानि हरिश्चेत धनम शनैहि, जिन पर मैं कृपा करता हूँ उनके धन को हरता हूँ। धन माने संसार के विषय। तो अगर संसार के विषय हमें भगवान नहीं दिए, अथवा भगवान ने दिए हुए विषयों को ये समझकर इसमें फंस जाएगा हर लिए, तो भगवान ने कृपा किया, कोप किया, ये हमारे लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ। मान लीजिए कि कहीं दीपक जल रहा है और दीपक की बड़ी सुंदर मनोहर ज्योति है, उस ज्योति के प्रति आकर्षित होकर पतंगे उड़ रहे हैं उसकी तरफ, और उड़ करके ज्योति में जाकर अपने को भस्म कर रहे हैं। दीपक के और पतंगों के मार्ग में, मिलने के मार्ग में बीच में लंबा पर्दा लगा दे और पतंगों को उधर जाने से रोक दे, तो जरा विचार के दिखाइए कि ये पतंगों का उपकार हुआ या अपकार। और इस प्रकार से पतंगों को दीपक की ज्योति में जलने से बचाने वाला या दीपक के पास मिलने के जाने में बाधा देने वाला, वो उन फतेंगों का उपकारी हुआ या अपकारी। तो बुद्धिमान आदमी ठीक कहेगा कि बड़ा अच्छा हुआ फतेंगे आग से बच गए, बड़ा अच्छा हुआ कि उस महापुरुष ने दया करके फतेंगे को बचा दिया। इसी प्रकार जिनके पास संसार के भोग कम है, या जिनके संसार के भोग भगवान हरण कर रहे हैं, वो माने कि सचमुच वो भाग्यशाली है। सचमुच उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। कीचड़ में पड़े हुए को भगवान निकाल ले, भगवान उस कीचड़ को सुखा दे। कीचड़ ही है, जितने भी संसार के भोग हैं, सच मानिए कीचड़ है, दलदल है, मन है, विष है। इनमें से अगर कोई हमको निकाल ले, इनमें फंसने से अगर कोई हमें बचा ले, इस कीचड़ में से कोई हमें उबार ले, तो उबारने वाला हमारा हितैषी है या वो हमारा द्वेषी है। तो बुद्धिमान आदमी को ठीक ये बात मालूम होगी, बुद्धिमान समझदार आदमी को ठीक ये बात मालूम होगी कि हमें कीचड़ में से जो निकालता है या हमारे लिए कीचड़ को सुखाई देता है, वो फतिंगे को आग में जाने से बचाने वाला या उस आग को बुझा देने वाला, ये फतिंगों के लिए उपकारी होता है, दयालु होता है। इसी प्रकार से जब भगवान दया करके हमें जगत के भोग नहीं देते या मिले हुए भोगों को हर लेते हैं, तो हमें वहाँ यह मानना चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा की, बड़ा अनुग्रह किया कि हमको इस कीचड़ से हमको निकाल लिया, इस आग में बचने से हमको बचा लिया। ये भावना अगर अभाव वालों के मन में हो जाए, ये भावना विधवा माताओं के हृदय में बैठ जाए और वो अपने को सौभाग्यशाली नहीं माने, तो उनका दिल पड़ जाए। तो साधक में बस यही अंतर होता है विषय पुरुष से। जिन चीजों को विषय पुरुष अपने लिए आवश्यक, अपने लिए बहुत हित की वस्तु मानता है, उन्हीं वस्तुओं को साधक मुमुक्षु अपने लिए अहित की मानता है, फंसाने वाली मानता है। वो मान चाहता है, विषय ये मान नहीं चाहता, बल्कि अपमान में प्रसन्न होता है। वो बड़ाई चाहता है, ये बड़ाई को निंदा समझता है, गाली समझता है। वो संसार के सुख भोग चाहता है, ये संसार के सुख भोगों से डरता है कि फंस न जाऊं। वो बड़े बड़े महलों में सुख पाता है, उसको झोपड़ी अच्छी मालूम होती है। इसका कारण क्या है? वो बहुत बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनता है और इनको और इसको बढ़िया वस्त्र पहनने में शर्म आती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो बुद्धि भेद। उसकी बुद्धि में उन वस्तुओं का महत्व है और इसकी बुद्धि में इन वस्तुओं का महत्व है। इस प्रकार के जो मनुष्य मैंने बताए, साधक या मुमुक्षु, सिद्ध या मुक्त और विषयी, तो इनमें जो मुक्त पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, वो तो होते क्षमतावान। साधक को क्षमतावान बिल्कुल नहीं बनना है। साधक क्षमता न करे तो कर सकते ही नहीं। साधक को तो बनना ठीक ठीक विषम। वो संसार के भोगों के प्रति तो घृणा करे और भोगों के त्याग पूर्वक भगवत भक्ति के प्रति वो प्रेम करे, आसक्ति करे। साधक के लिए आसक्ति का त्याग आवश्यक नहीं है, आसक्ति का विषय बदलना आवश्यक है। जगत के भोगों में उसके मन में घृणा हो जाए और भगवान के पास पहुंचाने वाले दो विषय हैं, जो चीजें हैं, उन सब के प्रति उसके मन में आसक्ति हो जाए, बड़ा अच्छा है। तो साधक के लिए मैं जो बात अभी कह रहा था, उसमें ये बात एक आई कि साधक को विषयों के प्रति कभी महत्व बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के पास विषयों का अभाव है तो उसके लिए तो साधना का मार्ग सुगम हो गया है, और भी उसके लिए ज्यादा रुकावट की चीज नहीं है। बल्कि मैं एक दफे मेरे मन में आता, मैं कहा करता हूँ, अपने तो ऐसी बात आई नहीं कि संसार में जिसकी सेवा करने वाले, जिसका आदर करने वाले, जिसको सुख पहुँचाने वाले, जिसको बड़ा ऊंचा प्रिय मानने वाले अधिक है, उतना अधिक अभागा है, उतना अधिक भाग्यहीन है। क्यों भाग्यहीन है? तो फंसा ज्यादा है, उसके संसार से व्यक्ति नहीं होती। तो ये भी मेरा है, ये मेरा बड़ा प्रेमी, ये मेरा बड़ा अनुरक्त, ये तो मेरी चीज वहाँ कहीं आता कर्तव्य के नाम पर त्याग, कहीं आता नीति के नाम पर राज, कहीं आता धर्म के नाम पर विराज। क्या अगर इतना प्रेम करते हैं लोग, अब उनको कैसे छोड़ दें? वो हमारे बड़े प्रेमी है, हमारी पत्नी तो हमारे लिए मरती चली जा रही है, हमारे बेटे तो ऐसे सुपुत्र हैं, उनके लिए क्या कहें। बस वो तो पिताजी की सेवा करते हुए कभी थकते ही नहीं। ये सब अच्छा है, इसका ये तो नहीं कि सब बुरे हो जाएं। परंतु मतलब कहने का ये है कि जितना जितना संसार में जिसको अधिक सुख, अधिक सुविधा, अधिक अनुकूलता प्राप्त है, उतना उतना संसार में अधिक फंसता है। जितनी जितनी संसार में जिसके ममत्व की चीजें अधिक है, एक छोटा झोपड़ा है, 10 मकान है, 20 गांव है, बड़ा नगर है, कई नगर है, जितना अधिक है उतनी चिंता अधिक है, उतनी फसावट अधिक है, ममता की वस्तु जिसकी जितनी कम है उतना वो सौभाग्यवान है। संसार में सुख पहुंचाने वाली वस्तु, सुख देने वाले पदार्थ, सुख सुविधा देने वाले व्यक्ति जिसके जीवन में जितने कम है उतना अधिक सौभाग्यवान है। सुख पहुंचाने वाले पदार्थ, सुख सुविधा देने वाले प्राणी, घर वाले, आत्मीय, स्वजन, बंधु, देश के लोग, भक्त लोग जिसके जितने अधिक हैं, जिस गुरु के अधिक चेले हों उसके लिए अधिक नरक में जाने की संभावना है। जिस धनी पुरुष के अधिक अनुयायी हों, अधिक मानने वाले, खुशामद करने वाले हों, उसके लिए जल्दी नरक में पहुंचने की संभावना है। जिस मनुष्य के आस पास विषयों का सेवन करने वाले लोग, उसको विषयों में रिझाने वाले लोग अधिक हैं, उसका तो नरक में जाना बहुत ही आसान है। तो ये सब नारकी गति में ले जाने वाले पदार्थ हैं। जहाँ विषयासक्ति हुई वहाँ ज्ञान गया, जहाँ ज्ञान गया विवेक नाश हुआ, पाप बुद्धि हुई और पाप का फल संताप नरक है ही। भगवान ने साप का पतंग नरक है शोचन। ऐसे लोग जो हैं, जो काम के परायण हैं, उनका सिद्धांत क्या है? कामोप भोग परमा एतावत निश्चिता। ये कामोप भोग बाद कह सकते हैं, बस कामोप भोग ही जो कुछ है सो है, इसके परे कुछ नहीं। इस प्रकार जो मानते हैं और इस प्रकार मानने वाले लोग जिनके सहयोगी, सहचारी, सखा, मित्र, बांधव हैं और उनकी बड़ी बड़ाई करते हैं, बड़ा उनका सम्मान है, बड़ी सुख सुविधा है, बड़े ऊंचे पद प्राप्त हैं, बड़े अधिकार प्राप्त हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे मकानों में आराम से रहते हैं। पर यदि मनोवृत्ति ऐसी है इस ओर वो जा रहे हैं, तो चाहे यहाँ पर कितने वो अपने को सुखी माने और चाहे उनके सुख को देख करके और लोग ललचाएं, पर उनका वो सुख है ये महान दुख का पूर्व रूप है। ये भूमिका है उसकी जो दुख का भवरांश बनने वाला है। ये नींव है उसकी जो दुख की बड़ी भारी इमारत खड़ी होने वाली है। तो इसलिए साधक इन बातों से बचे, हमेशा बचे और सौभाग्य माने इस बात में कि भगवान ने बड़ी कृपा की, हमको सुख नहीं दिया। ये बड़ी बुद्धिमती थी ये कुंती देवी। कुंती ने भगवान से दुख का वरदान मांगा कि महाराज जहाँ कहाँ हमको तो आप दुख ही दिया करें। वो दुख क्यों दिया करें? तो क्या वो दुख में आस मिलते हैं? सुख के माथे सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिया रिवा दुख की जो पल पल राम रचाए। तो साधक के मन में, साधक की एक मनोवृत्ति ऐसी बन जानी चाहिए कि उसके मन में ये भूषणों का गुरुत्व महत्व न रहे। वो उसके पास वस्तु नहीं है, वस्तु न होने पर भी यदि उसके मन में महत्व बना है और ऐसी चीजें जिनके पास हैं उनको अगर वो सौभाग्यशाली, उनको अगर सुखी, उनको अगर अपने से अधिक आराम में मानता है, तो सीधी बात यह है कि उन विषयों के प्रति उसके मन में आकर्षण है, उनके प्रति उसके मन में महत्ता का बोध है। मिले नहीं, निरुपाय है, पर मिलते उसके भाग्य लेता, आलिंगन करता, उनसे भेंट पर भेंट करता। ये जो भेंट करने की, प्राप्त करने की, मिलने की जो उत्सुकता है, ये जो उसके अंदर आशा बंद है, ये जो उसके अंदर उसमें आसक्ति है, ये आसक्ति इस बात को बताती है कि उसका मन भगवान की ओर नहीं चल रहा है, उसकी मनोवृत्ति विषयों की ओर धारित हो रही है।